नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे लट लकार वर्तमान काल। धातु हमारी घ्रा धातु, घ्रा का मतलब होता है सूंघना। वर्तमान काल को हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो जो पुरुष है, होते हैं साथियों, ये पुरुष तीन वचनों में होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, यहां पर हम बात करते हैं कि जिग्रति, जिग्रते, जिग्रन्ति, जिग्रसी, जिग्रथः, जिग्रत, जिग्रामी, जिग्रावः, जिग्राम है। ठीक है। अब जैसे सा है, ये प्रथम पुरुष एकवचन है। कैसे पता चले? देखिए, अनुवाद करने का नियम देखिए, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का नियम क्या है? जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू में लिखा है कि जिस पुरुष तथा वचन की क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा। ये नंबर टू है, तो इस नियम को हमें ध्यान रखना है। सा प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिग्रति। तो हमारा वाक्य क्या बना? सा जिग्रति, वह सूंघता है। अब हम बोलते हैं कि वह फूल सूंघता है, तो हमें इस कर्ता और क्रिया के बीच में पुष्पम और जोड़ देना है। सात पुष्पम जिग्रति, वह फूल सूंघती है। और यदि हम पुल्लिंग लेते हैं, स मीन्स वह, जिग्रति सूंघता, वह सूंघता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ते स्त्रीलिंग द्विवचन है, ते का मतलब वे दोनों। तो प्रथम पुरुष द्विवचन है ते, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिग्रत है। तो ते जिग्रत है, वे दोनों सूंघती हैं, वे दोनों सूंघती हैं। तो ते पुष्पाणी जिग्रत है, वे दोनों फूल सूंघती हैं। इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे। और पुलिंग में लेंगे हम, तो तव वे दोनों जिग्रत सूंघते हैं। तो तव पुष्पाणी जिग्रत है, वे दोनों फूल सूंघते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है, ता प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिग्रन्ति। तो हमारा वाक्य बनेगा, ता जिग्रन्ति, वे सब सूंघती हैं, या ता पुष्पाणी जिग्रन्ति, वे सब फूल सूंघती हैं। इधर भी ते पुष्पाणी जिग्रन्ति, वे सब फूल सूंघते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट मध्यम पुरुष देखिए, यहां पर मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं हैं, देख लीजिए आप, जिग्रसी, जिग्रथ है, जिग्रत। अब वाक्य बनाए हम, जैसे त्वम है मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या होगी? जिग्रसी। तो वाक्य क्या बना हमारा? त्वम जिग्रसी, तुम सूंघते हो। अब ऑब्जेक्ट की बात की जाए, कर्म की बात की जाए, त्वम पुष्पम जिग्रसी, तुम फूल सूंघते हो। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है, युवाम का मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी, जिग्रत है। तो वाक्य बन गया हमारा, युवाम जिग्रत है, तुम दोनों सूंघते हो, या युवाम पुष्पाणि जिग्रत है, तुम दोनों फूल सूंघते हो। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। तो तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी, जिग्रत। तो हमारा वाक्य क्या बना? यूयम जिग्रत, तुम सब सूंघते हो, या यूयम पुष्पाणि जिग्रत, तुम सब फूल सूंघते हो। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब देखेंगे हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं, जिग्रामी, जिग्रावह, जिग्राम है। अब यहां पर उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या है? अहम है। तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया देखिए क्या है? जिग्रामी। तो हमारा वाक्य क्या बना? अहम जिग्रामी, मैं सूंघता हूं। अहम पुष्पम जिग्रामी, मैं फूल सूंघता हूं। नेक्स्ट है आवाम। आवाम का मतलब हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? जिग्रावह है। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी दोस्तों? जिग्रावह है। तो हमारा वाक्य क्या बना? आवाम जिग्रावह, हम दोनों सूंघते हैं, या आवाम पुष्पाणि जिग्रावह, हम दोनों फूल सूंघते हैं। नेक्स्ट है वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या हुई? जिग्राम है।
तो हमारा वाक्य क्या बना, वयम जिग्रामः, हम सब सूंघते हैं, या वयम पुष्पाणि जिग्रामः, हम सब फूल सूंघते हैं। अब हम बात करते हैं लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और घ्रा धातु मीन्स सूंघना। जैसे हमने लट लकार के वाक्य बनाए, उसी प्रकार से हम लंग लकार के वाक्य बनाएंगे। तो यहां पर जो सा है प्रथम पुरुष एकवचन है, और ये स है ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है। सा स्त्रीलिंग है और स पुल्लिंग है, तो यहां पर दोनों प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या होगी, अजिकृत। तो वाक्य क्या बना हमारा, सा अजिकृत और स अजिकृत, ये वाक्य बन गया। जैसे वह फूल सूंघती थी तो सा पुष्पम अजिकृत, वह फूल सूंघता था स पुष्पम अजिकृत, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब नेक्स्ट द्विवचन की बात करते हैं, तो ते का मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग, और तव मीन्स वे दोनों पुल्लिंग। प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का यूज करेंगे अजिकृता। तो हमारा वाक्य क्या बना, ते अजिकृता, ठीक है, और यहां पर तव अजिकृता। हम यदि कर्म की बात करते हैं, तो ते पुष्पाणि अजिकृताम, वे दोनों फूल सूंघती थी, तव पुष्पाणि अजिकृताम, वे दोनों फूल सूंघते थे। यहां पर पुष्पम पुष्पे भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए दो फूल सूंघती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ता। ता का मतलब वे सब स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और प्रथम पुरुष है, और ते वे सब ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का यूज करेंगे हम अजिग्रह। तो हमारा वाक्य क्या बना, ता अजिग्रन, वे सब सूंघती थी, ते अजिग्रन, वे सब सूंघते थे, ठीक है। यहां पर हम पुष्पम का यूज कर सकते हैं, पुष्पे का यूज कर सकते हैं, पुष्पाणी का यूज कर सकते हैं। ता पुष्पाणी अजिग्रन, वे सब फूल सूंघती थी, ते पुष्पाणी अजिग्रन, वे सब फूल सूंघते थे। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, अब त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया होगी अजिग्रह। तो हमारा वाक्य बना त्वम अजिग्रह, ये वाक्य बन गया, ठीक है। त्वम पुष्पम अजिग्रह, तुम फूल सूंघते थे, इस प्रकार से। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी अजिग्रतम। तो वाक्य बन गया हमारा युवाम अजिग्रतम, तुम दोनों सूंघते थे, या युवाम पुष्पे अजिग्रतम, तुम दोनों दो फूल सूंघते थे, क्योंकि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम एकवचन, पुष्पे द्विवचन, और पुष्पाणि बहुवचन, ठीक है। अब आगे देखिए, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी, अजिग्रत। वाक्य बन गया हमारा यूयम अजिग्रत, तुम सब सूंघते थे, या यूयम पुष्पाणि अजिग्रत, तुम सब फूल सूंघते थे, ऐसे वाक्य। नेक्स्ट है अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता, तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या होगी, अहम अजिग्रह। वाक्य बनाया हमने, जैसे मैं फूल सूंघता था, तो अहम पुष्पम अजिग्रम, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आवाम हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया अजिग्रह। तो वाक्य बन गया हमारा आवाम अजिग्रह, ये वाक्य बना, हम दोनों फूल सूंघते थे, आवाम पुष्पाणि अजिग्रह, ये वाक्य बन गया। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी अजिग्राम, तो वयम अजिग्राम, ये वाक्य बन गया, ठीक है। वयम अजिग्राम, वयम पुष्पाणि अजिग्राम, हम सब फूल सूंघते थे, ये वाक्य बन गया। अब हम बात करते हैं लृट लकार। लृट लकार का मतलब भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। घ्रा धातु सूंघना, जैसे हम वाक्य बनाते आए हैं वैसे बनाएंगे। देखिए इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन कीजिए, घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि घ्रास्यतः घ्रास्यत, घ्रास्यामि घ्रास्यावः घ्रास्यामः। जैसे मैं फूल सूंघूंगा, अहम पुष्पम घ्रास्यामि, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। इसमें फूल कर्म वो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सा और यहां पर से,
ये प्रथम पुरुष एकवचन के कर्ता है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया ग्राह्यति हो गया। तो हमारा वाक्य क्या बनाया, प्रथम पुरुष एकवचन सा ग्राह्यति और से ग्राह्यति। ग्राह्यति का मतलब सूंघेगा, ठीक है, कौन, कोई भी प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता, ठीक है। अब ग्राह्यत है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता होना चाहिए ते और तव, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। अब प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया ग्राह्यत है और यहां पर भी ग्राह्यत है, ते ग्राह्यत है, तव ग्राह्यत है, ठीक है। ऊपर जो सा ते ता है ये स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष के कर्ता, ठीक है, और नीचे से तव ते ये पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष के कर्ता, ठीक है। यहां पर देखिए ग्राह्यन्ति, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता होना चाहिए ता, प्रथम पुरुष बहुवचन, और ते प्रथम पुरुष बहुवचन। वाक्य बना हमारा ता ग्राह्यन्ति और यहां पर ते ग्राह्यन्ति, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता ही ते है, प्रथम पुरुष बहुवचन की का कर्ता ही ता है, लेकिन ता है ये स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, और ते है ये पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता। तो इस प्रकार से वाक्य बने। अब देखिए आगे देखेंगे हम त्वम, मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया देखिए ग्राह्यसि, ऊपर लिखा हुआ देखिए साथियों एकवचनम, तो एकवचन के नीचे सब एकवचन है, यहां पर द्विवचन के नीचे सब द्विवचन, बहुवचन के नीचे सब बहुवचन, ठीक है। पुरुष तीनों वचनों में विभक्त है, तो यहां पर त्वम ग्राह्यसि ये वाक्य बन गया, त्वम ग्राह्यसि। नेक्स्ट है जैसे ग्राह्यत है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है, युवा, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है ग्राह्यत है, ग्राह्यत। फिर यूयम देखो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष ये है और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखिए ये है ग्राह्यत। तो देखिए हमारा वाक्य बन गया यूयम ग्राह्यत। इसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष के कर्ता देखेंगे, अहम उत्तम पुरुष एकवचन कर्ता है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया होगी ग्राह्यामि, तो वाक्य बना हमारा अहम ग्राह्यामि। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है ग्राह्यावय है, तो हमारा वाक्य बना आवाम ग्राह्यावय है, हम दोनों सुनेंगे। नेक्स्ट है वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी ग्राह्यामय, ठीक है, तो यहां पर हमारा वाक्य बन गया वयम ग्राह्यामय, ये वाक्य बन। इसी प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं आगे लोट लकार के विषय में, किसके विषय में, लोट लकार के विषय में। लोट लकार को हम आज्ञार्थ काल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आज्ञार्थ काल। अब देखिए लोट लकार, घृा का मतलब होता है सूंघना, ये पुरुष है, पुरुष तीनों वचनों में विभक्त है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। यहां पर प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया जिग्रतु, द्विवचन जिग्रताम और बहुवचन जिग्रंतु। अब यहां पर देखिए सा प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है सा, तो आगे प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का यूज किया गया जिग्रतु, सा जिग्रतु, देखिए प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया जिग्रतु। नेक्स्ट है जैसे यहां पर पुल्लिंग है से प्रथम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया जिग्रतु, यहां पर ते है प्रथम पुरुष द्विवचन स्त्रीलिंग और आगे है जिग्रताम, ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन है, ठीक है। आगे है ता प्रथम पुरुष बहुवचन और जिग्रंतु भी प्रथम पुरुष बहुवचन, ता जिग्रंतु, यहां पर ताऊ प्रथम पुरुष द्विवचन, जिग्रताम प्रथम पुरुष द्विवचन, ते प्रथम पुरुष बहुवचन और जिग्रंतु प्रथम पुरुष बहुवचन, इस प्रकार से वाक्य बन गया। सा जिग्रतु ते जिग्रताम ताह जिग्रंतु, सह जिग्रतु तौ जिग्रताम ते जिग्रंतु, ठीक है। अब आगे देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष की क्रिया जिग्र जिग्रतम जिग्रत, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन त्वम जिग्र, फिर युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम जिग्रतम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचनम
यूयम जिग्रत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की क्रियाएं जिग्राणि जिग्राव जिग्राम, जिग्राणि जिग्राव जिग्राम ये है। तो देखिए यहां पर हम जान रहे हैं जैसे अहम जिग्राणी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। आवाम जिग्राव, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, जिग्राव उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, जिग्राम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। इस प्रकार से वाक्य बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग देखिए इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद योग्य होने चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इनके अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है घ्रा धातु सुंगना। ठीक है, पुरुष तीनों वचनों में विभक्त होता है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यहाँ पर प्रथम पुरुष की जो क्रियाएं हैं जिग्रेत जिग्रेतान जिग्रेय। ठीक है, प्रथम पुरुष के विषय में हमने चार लकार पढ़ लिए हैं तो चारों लकारों में हमारा स्पष्ट हो गया होगा कि प्रथम पुरुष क्या होता है। तो प्रथम पुरुष के कर्ता जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में दिए हुए हैं, उदाहरण के लिए जैसे सात जिग्री उसे सूंघना चाहिए, से जिग्रीत उसे सूंघना चाहिए। तो ये पुल्लिंग है और ये सा स्त्रीलिंग है, फिर ते जिग्रेताम और फिर ता जिग्रेयु, ताउ जिग्रेतम ते जिग्रेयु, इस प्रकार से वाक्य बने। जिसे सा पुष्पम जिग्रेत उसे फूल सूंघना चाहिए, ते पुष्पे जिग्रेताम उन दोनों को दो फूल सूंघने चाहिए, ता पुष्पाणि जिग्रेयु उन सबको फूल सूंघने चाहिए, से जिग्रेत उसे सूंघना चाहिए क्या पुष्प, तौ पुष्पे जिग्रेतम उसे दो फूल सूंघने चाहिए, ते पुष्पाणि जिग्रेयु उसे फूल सूंघने चाहिए। नेक्स्ट है साथियों, जैसे मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में जिग्रे जिग्रेतम जिग्रेत, त्वम जिग्रे तुम्हें सूंघना चाहिए, युवाम जिग्रेतम तुम दोनों को सूंघना चाहिए, यूयम जिग्रेत तुम सबको सूंघना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की क्रियाएं जिग्रेयम जिग्रेव जिग्रे। यहां पर अहम जिग्रेयम मुझे सूंघना चाहिए, आवाम जिग्रेव हम दोनों को सूंघना चाहिए, और वयम जिग्रेम हम सबको सूंघना चाहिए। वाक्य पुष्प ले सकते हैं, अहम पुष्पम जिग्रेयम मुझे फूल सूंघना चाहिए, आवाम पुष्पे जिग्रेव हम दोनों को दो फूल सूंघने चाहिए, वयम पुष्पाणि जिग्रेम हम सबको फूल सूंघना चाहिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।